2021 में रिलीज हुई पंकज त्रिपाठी की फिल्म मिमी। इस फिल्म में उम्दा प्रदर्शन के लिए उनको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड के बाद पंकज त्रिपाठी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दो तस्वीरें शेयर की और लिखा, रामदर्श मिश्र जी की पंक्ति, बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाब के पर धीरे धीरे, किसी को गिराया न खुद को उछाला, काटा जिंदगी का सफर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांग लगाकर वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे, आभार आप सभी का। इसके बाद उनके चाहने वालों ने उन्हें कमेंट सेक्शन में बधाई दी। कोई उन्हें लोगों के लिए मिसाल बताया तो किसी ने युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत कहा। अंबुज मिश्रा नाम के एक यूजर ने एक तस्वीर साझा की जिसमें उनके करियर की शुरुआत की मूवी और अभी नेशनल अवार्ड के वक्त की तस्वीर है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में जब पंकज त्रिपाठी से नेशनल अवार्ड को लेकर प्रश्न पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि सफलता और असफलता का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये किसी आयोजक कंपनी की ओर से नहीं होता, ये इसलिए विशेष लगता है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए जो सरकारी नौकरी चाहता था, सरकार से पुरस्कार प्राप्त करना एक बड़ी बात है। छोटे शहर से आए किसी व्यक्ति के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार के गोपालगंज जिले के बेलसांड गांव के रहने वाले हैं। अभी हाल ही में उनके पिता पंडित बनारस तिवारी की मृत्यु हुई थी। पंकज त्रिपाठी उनकी याद में एक पुस्तकालय का उद्घाटन भी कर चुके हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए बने रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ।